औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हो कि हम लाइन इज इन इंग्लिश में आज क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल हमें बताना है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें बताना है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बताना है, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर हमें बताना है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर मैंने एक क्या इसका नाम है वो ड्रा एक लाइन की और मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पर एक ड्रा लाइन की, तो यहाँ से मैंने एक इंटरसेक्ट जो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को, तो इन्होंने मुख्तलिफ सारे एंगल्स बनाए, ठीक है ना। इन एंगल्स का मैंने नाम भी रखा, तो जैसा कि यहाँ पर एंगल है ए ओ बी है, इसी तरीके से ए ओ ई है, इसी तरीके से ई ओ डी है, इसी तरीके से डी ओ सी है, इसी तरीके से बी ओ सी है। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट हमारा है वो ये है कि हमें ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है। तो ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर कौन कौन सा है, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी और एंगल एंड एंगल ए ओ डी, ए ओ डी, तो ये ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसी तरीके से जो बी पार्ट है वो है एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स ए ओ बी, ए ओ बी एंड ए ओ ई, ए ओ ई और एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री, यानी कि ए के यानी कि आपस में दे आर नियर टू ईच अदर, दे हैव अ कॉमन आर्म, जो भी इसमें प्रॉपर्टीज एडजेसेंट के प्रॉपर्टीज लगते हैं वो इसमें हैं, तो और कंप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं, इनका जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा तीसरा जो पार्ट है वो है अनइक्वल अनइक्वल सप्लीमेंट इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो है ई ओ बी एंड ई ओ डी, E O B एंड E O D, E O E O B एंड E O D, ये इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और इक्वल यानी कि इनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है। यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हमने डिस्कस किए हैं पहले भी, जिनका सम दो एंगल्स का सम जब 180 डिग्री बनता है तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर एंगल है ई ओ बी या बी ओ ई एंड ई ओ डी, दीज आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दो एंगल्स इनका सम 180 डिग्री है। तो इसी तरीके से दूसरा है ई ओ ए, ई ओ ए एंड ई ओ सी, ई ओ सी ये क्या है, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स है बट दे आर अनइक्वल, दे आर अनइक्वल, क्योंकि यानी कि जो ये ई ओ ए, ई ओ ए जो है ये इस जानिब है और ई ओ सी जो है, ई ओ सी ये इस जानिब है, इसीलिए ये अनइक्वल है। तो अनइक्वल है मगर ये दीज आर सप्लीमेंट्री आल्सो, ये सप्लीमेंट्री है क्योंकि इनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर और एक पार्ट है ए ओ बी एंड ए ओ ई, ए ओ बी एंड ए ओ ई, ये बहुत सारे ये एंगल्स हैं, ए ओ ई है, ए ओ ई है, इसी तरीके से ई ओ डी है, ई ओ डी है एंड इसी तरीके से ई ओ डी है और क्या इसका सी ओ डी है, सी ओ डी, दीज आर एडजेसेंट ईच अदर, यानी कि ये आपस में नेबरिंग है, इनमें कॉमन आर्म है, इनमें वो कॉमन वर्टिसेस हैं, तो बट नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, मगर ये लीनियर पेयर नहीं बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 14, तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए दी इजाज़त, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।